हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ सक्सेस। तो आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर मेंस एग्जाम। जो मेंस एग्जाम में आपको सीपीसी में से क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं दैट आर हाईली इम्पॉर्टेंट, जो आपको नोट्स बना के रख लेने चाहिए, दैट आर आस्क्ड इन डिफरेंट स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स, चाहे आपको कोई भी स्टेट का पेपर हो, बिकॉज सीपीसी इज द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इन एवरी स्टेट। तो वो क्वेश्चंस जो हैं हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सो आई एम गोइंग टू कवर ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स जो भी आपके इम्पॉर्टेंट होंगे। सो डेफिनेशंस में से इफ आई टॉक अबाउट मीन्स प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको शॉर्ट नोट आ जाता है। डिक्री एंड ऑर्डर के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये आपको शॉर्ट नोट आ जाता है। और डेफिनेशंस में से डिक्री के ऊपर फुल फ्लेज लेंथी क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट, फुल फ्लेज लेंथी क्वेश्चन की डिग्री क्या है, वॉट इट इंक्लूड्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिग्रीज आर देयर। एंड इनफैक्ट डिग्री के ऊपर एक क्वेश्चन और भी आता है, कैन देयर बी मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिग्री। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम योर डेफिनेशन, मीन्स प्रॉफिट, डिग्री, डिग्री एंड ऑर्डर, ठीक है। जनरली द क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम दिस। नेक्स्ट इज इफ यू टॉक अबाउट दैट इज ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, वॉट इज ज्यूरिसडिक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन आर देयर। तो ज्यूरिसडिक्शन होता क्या है, कितने टाइप्स की ज्यूरिसडिक्शन होती है, इसके ऊपर आपको जो है क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 9 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट सिविल कोर्ट्स हैज पावर टू ट्राई ऑल द सूट्स अनलेस दैट इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड एक्सप्लेन, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन ऐसे आता है कि इसको एक्सप्लेन करो इस स्टेटमेंट को, तो फुल क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो। अनदर इम्पॉर्टेंट इज सेक्शन 11 एंड 12 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 10 में से आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज रेस्ट सब जुडिसी ऑफ स्टे ऑफ सूट, क्या होता है, व्हाट इज देयर एनी एक्सेप्शन टू दैट। रेस्ट जुडिकाटा में से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन जाते हैं इसमें से आपके, लाइक व्हाट इज रेस्ट जुडिकाटा, ठीक है, रेस्ट जुडिकाटा क्या है, ये तो क्वेश्चन बनता ही है। व्हाट आर द एसेंशियल्स फॉर रेस्ट जुडिकाटा, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड रेस्ट जुडिकाटा, वेदर दिस अप्लाइज ऑन रिट्स, क्या ये रिट्स के ऊपर अप्लाई करता है, वेदर व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव रेस्ट जुडिकाटा, क्या होता है, क्या ये रिप्रेजेंटेटिव सूट्स के ऊपर अप्लाई करता है, क्या ये एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स के ऊपर अप्लाई करता है। सो इनमें से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं आपके रेस्ट जुडिकाटा में से। सो एनी हाउ द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, सो आपको फुल फ्लेज जो है इसके ऊपर क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी, यू कैन जस्ट व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। आप इस नंबर पे जो है, दिस इज द व्हाट्सएप नंबर, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो एनी क्वेरीज, एनीथिंग, जो भी आपको अपने जुडिशरी की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज फ्रॉम दिस सेक्शन 13, व्हाट इज फॉरेन जजमेंट, फॉरेन जजमेंट क्या होता है, वेदर द जजमेंट पास्ड बाय फॉरेन कोर्ट इज कंक्लूसिव, क्या फॉरेन जजमेंट जो होती है वो कंक्लूसिव होती है। तो इसमें आपको 6 बार्स दी हुई है, वो आपको फिर एक्सप्लेन करनी है। सबसे पहले फॉरेन जजमेंट क्या होता है, फॉरेन कोर्ट क्या होता है, ठीक है, फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव है या नहीं, देन यू नीड टू राइट द 6 बार्स दैट इज गिवन इन द। तो प्लेस ऑफ सूइंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पे कौन सा सूट इंस्टीट्यूट करना है, तो इस पर फिर आपको जर्नल क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे कोई सेपरेट क्वेश्चन नहीं आता, तो जर्नल सा क्वेश्चन आपको जो है इस पर आ सकता है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो मैं डिस्कस करूँगी इसमें से। देन उसके बाद इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, आपने इसके ऊपर क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज What are the powers of the court to enforce execution? This is important. ये आपको mains में execution के question में जो है attach होके आ सकता है। Arrest and detention के ऊपर question आ सकता है, ठीक है, कि कितना कितने time period के लिए arrest किया जा सकता है, detention किया जा सकता है। So इसमें से आपको question आ सकता है, you need to remember these sections. After that, this is very very important. That if the suit by or against the government or public officers in their official capacity, कि कैसे suit institute होगा, वो notice वगैरह का, ये सारा आपने इसके ऊपर question जो है prepare कर देना। उसके बाद interpleader suit क्या होता है, ठीक है, इसका procedure क्या है, red with order 35, this is very important, need to know this। उसके बाद जो है that is public nuisances को लेके question आ सकता है, this is important। अपील्स के ऊपर तो आपने क्वेश्चन प्रिपेयर करना ही है कि फर्स्ट अपील क्या होता है, फर्स्ट अपील कब लाई करेगी, सेकंड अपील क्या होता है, डिफरेंस क्या है फर्स्ट या सेकंड अपील में,
तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, फिर इसके साथ आपको जो है अपने ऑर्डर्स करने पड़ेंगे. सो देर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो इस टॉपिक्स में से आते हैं दैट यू नीड टू जस्ट डू फ्रॉम द. सो व्हाट आर द पावर्स ऑफ द एपेलेट कोर्ट, की पावर्स क्या होती हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेफरेंस रिव्यू एंड रिविजन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें डिफरेंसेज क्या है, रेफरेंस क्या होता है, रिव्यू क्या है, रिविजन क्या है. सो यू नीड टू इस पे फुल आपको जो है क्वेश्चन प्रिपेयर करना है. अपार्ट फ्रॉम दिस मेंस के लिए जो इम्पोर्टेंट है आपका, एक तो आपको रेस्टिट्यूशन पे क्वेश्चन प्रिपेयर करना है कि रेस्टिट्यूशन क्या होता है, रेस्टिट्यूशन कहाँ पे लाई करेगा. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट इज केवियट पे आपको जो है शॉर्ट नोट या साथ में अटैच होकर क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, तो ये आपको करना है. उसके बाद दैट इज इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट के ऊपर, इसके ऊपर आपको जो है क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं. ठीक है, सो इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट क्या होती है, कहाँ पे कोर्ट, कौन सी इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट है, कहाँ पे कोर्ट यूज करता है, देर आर सर्टेन लैंडमार्क केसेज अंडर दिस. तो वो चीज़ें जो हैं आपको इसमें से डिस्कस करनी है. तो ये तो आपके रहे सेक्शंस में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं. तो साथ में ऑर्डर्स के साथ अटैच होकर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर लेंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस लर्नर्स, देर इज ऑल इंडिया जुडिशरी ओपन मॉक टेस्ट दैट इज बींग कंडक्टेड ऑन 11th of June एट 11 AM ऑन अन अकेडमी. सो डू गिव दिस ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट स्कैन कर लेना. यू हैव गिफ्ट वाउचर्स वर्थ ₹1,25,000. दिस इज उत्तराखंड जुडिशरी मेन्स लिंकिंग बैच, ये 5th June को जो है दिस हैज स्टार्टेड फ्रॉम 5th of June. तो स्पेशली उत्तराखंड के लिए बैच है, सिर्फ 9999 पे अवेलेबल है. आप इस कोड को यूज करके जो है इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस अनअकैडमी पे प्राइस हाइक हो रहा है 13th of June से. सो इफ यू आर प्लानिंग टू टेक द सब्सक्रिप्शन, टेक द सब्सक्रिप्शन बिफोर दैट एंड बीट द प्राइस हाइक, अदरवाइज 20% आपको प्राइस हाइक में जो है सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा. दिस इज अनिल खन्नाज कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन बैच दैट इज स्टार्टिंग. अगर आपने जस्ट अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है जुडिशरी की, देन दिस बैच इज बेस्ट फॉर यू एंड यू कैन जस्ट यूज दिस कोड. एंड बाकी डिटेल्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी. थैंक यू सो मच लर्नर्स, टेक केयर ऑफ यू.